सभी को मेरा नमस्कार। पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम अंतर्गत ऑनलाइन कक्षा 6 से 8 में आज हम कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान में इतिहास खंड के पाठ 5 सल्तनत कालीन जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा आपको पिछले अध्याय में बताया गया था कि दिल्ली में तुर्क सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और किस प्रकार सल्तनत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, किन किन राजवंशों ने उसमें शासन किया, जिसमें पहले हमने बताया था कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इस प्रकार जब दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हो गई तो धीरे धीरे सल्तनत की स्थापना का प्रभाव क्या हुआ कि यहाँ विदेशियों का भी आगमन शुरू हो गया। विदेशों से जैसे ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे अलग अलग क्षेत्र के राज्यों के लोग यहाँ आकर बसने लगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत में तुर्क सुल्तानों ने शासन किया तो उनके शासन में बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर रहने लगे। और इस प्रकार यहाँ उनके निवास करने से उनके लोगों के जीवन में एक नए संस्कृति, रहन सहन का भी असर हुआ। तो इस पाठ में हम यही जानते हैं, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत में लोगों के जीवन में, जनजीवन में बदलाव आया, उनका रहन सहन में क्या विकास हुआ, रहन सहन का उनकी संस्कृति में क्या परिवर्तन हुए, धर्म में क्या परिवर्तन हुए, धार्मिक क्या परिवर्तन हुए, ये सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सल्तनत के बनने का सबसे एक मुख्य परिणाम क्या हुआ कि यहाँ ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग आकर क्या करने लगे, बसने लगे। ठीक है, वे न केवल भारत में आके बसे बल्कि उन्होंने खाली बसा नहीं, उनको उन्होंने इसको अब अपना देश मानने लगे। इनमें से कई प्रकार के लोग आकर यहाँ भारत में बसे, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे अमीर खुसरो भी अपने आप को एक तुर्क हिंदुस्तानी कहते थे। अमीर खुसरो कौन थे, एक फारसी के लेखक और कवि थे। उन्होंने फारसी में कई ग्रंथों की रचना की, उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ बोलचाल की भाषा हिंदवी में भी कविताएं लिखी। उसने अमीर खुसरो एक बहुत विद्वान थे और उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई कविताएं भी लिखी। इस तरह अमीर खुसरो की तरह ही कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर हैं, विद्वान हैं, संत हैं, जिसमें सूफी संत वगैरह भी थे, वो भी आकर यहाँ बसे। विदेशों से बड़ी संख्या में इस तरह के लोगों के आने के पीछे एक और कारण था। एक तो दिल्ली सल्तनत में तुर्क सुल्तानों का शासन था। दूसरी बात थी कि उन दिनों मध्य एशिया में जो प्रमुख आक्रमणकारी था मध्य एशिया का, चंगेज खान। नाम आपने सुना होगा, पिछले पाठों में भी हमने बताया था कि किस तरह दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाने में उनको सफलता मिली, किन किन सुल्तानों को उसमें सफलता मिली। तो चंगेज खान जो था वो पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हरा कर और उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था, तो इसलिए उनके भय से मध्य एशिया के बहुत सारे लोग दिल्ली सल्तनत की शरण में आ गए, यहाँ के सुल्तानों की शरण में आ गए और यहाँ आकर बस गए। इन लोगों ने अपने
जो अपना उनका हुनर था, उनकी जो योग्यता थी, उनकी विद्वता थी, उनकी धार्मिक भावना जो थी, उनका जो धर्म था, और भारतीय उससे भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध किया। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब हम कहीं जाते हैं या बाहर के लोग जब यहाँ पर आके बड़ी संख्या में कोई एक समुदाय विशेष के लोग, एक जाति विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं, तो उनके रहन सहन और उनकी संस्कृति का असर भी हम पर पड़ता है और हमारे संस्कृति का भी असर उन पर पड़ता है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में जो आकर बसने लगे यहां पर, उससे क्या हुआ, रहन सहन और संस्कृति के अलावा शासक और शासन, मतलब शासन में भी उनका प्रभाव पड़ा, शासक वर्ग में भी उसका प्रभाव पड़ा। कि जैसे सल्तनत काल में जो सबसे शक्तिशाली होता था, है ना, सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। जब हमने पहले पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में क्या हुआ था, कि गुलाम वंश पहले शासन किए यहाँ दिल्ली में। गुलाम वंश में स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो जो पहले गुलाम से शासक हुए वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए, ठीक है, लेकिन बाद के शासकों ने, जैसे जिसमें बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग बहुत शक्तिशाली हुए। शुरू के गुलाम के शासकों के काल में जो बड़े अधिकारी और सेनापति होते थे, वो उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हीं के समकक्ष एक कोई गुलाम थे जो शासक बन गए थे, उन्हीं के बराबरी के लगभग समानांतर लोग थे, तो इसलिए वो उनसे बहुत ज्यादा दबते नहीं थे और दब के रहना भी नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो आगे के सुल्तान हुए, जिसमें बलबन और अलाउद्दीन का नाम है, उन्होंने उनके इस विद्रोह को, समझ लीजिए इनकी इन महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया, उनको दबा कर रखा और वे ही पूरा निरंकुश सुल्तान बन गए और उनका पूरा नियंत्रण अब दिल्ली सल्तनत पे अपने राज्यों पर हो गया। इसी तरह ये जो छोटे छोटे राज्य थे भारत में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व आपने पढ़ा था, बहुत छोटे छोटे राज्य थे, तो उनकी जगह अब एक बड़ी सल्तनत बन गई। जो दिल्ली सल्तनत क्या है, उसका केंद्र दिल्ली था और वहां सुल्तान जो थे हुआ करते थे, वो बैठ के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करते थे और उस पर शासन करते थे, वहीं से शासन का संचालन करते थे। लेकिन जो पुराने राजा जो थे, जिनके राज्यों उनको वो मिलाते थे, वो लोग अभी समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन अब वो क्या करने लगे कि वो सुल्तान के अधीन, उनके अधीन जमींदार बनकर अपना जीवन बसर करने लगे, जीवन जमींदार बनकर रहने लगे। अब पहले जो राजा होते थे या सुल्तान जो, वो उनके रिश्तेदार ही उनके अधिकारी हुआ करते थे और उनका जो पद होता था वो प्रायः वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब जो, मतलब एक जो पद को धारित कर रहा है उसके जाने के बाद उसी का पुत्र या पुत्री या उनका रिश्तेदार ही उस पद को धारण करता था, वंश के लोग ही करते थे, उसका उत्तराधिकारी करता था, उसको वंशानुगत कहते हैं। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत में ये परिवर्तन आ गया कि अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था, कोई भी पद पिता से पुत्र को अब मिलना मिलता था, जो वो बंद हो गया, वंशानुगत जो था वो बंद हो गया। अब राज्य के अधिकारियों का पहले वंशानुगत होने से जो जहां रहता था, जिस वंश का उसका शासक होता था, मतलब जिसके वो उत्तराधिकारी होते थे, वो वहीं शासन करते थे। कि मतलब अगर कोई एक क्षेत्र है, जैसे दिल्ली के पास मान लीजिए कोई भी एक क्षेत्र है, वहां जो भी अधिकारी या सेनापति होते थे, तो उनके वंश के लोग अगर आते थे तो उसी क्षेत्र में वो भी शासन करते थे। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत में ये परिवर्तन हो गया और राज्य के अधिकारियों का क्या होने लगा, तबादला होने लगा, राज्य के अधिकारियों का तबादला होते रहता था। तो इस प्रकार शासन और शासक
अब भाई बता सकते हो आप लोग कि सल्तनत के बनने से शासन व्यवस्था में कौन कौन से तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, कौन से बदलाव आए, बता सकते हैं कोई क्या बदलाव हुआ होगा? देखिए, दिल्ली सल्तनत के बनने से शासन व्यवस्था में मुख्यतः तीन प्रकार के बदलाव हुए शासन व्यवस्था में। पहला ये था कि गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आया, गांव के लोगों के जीवन में पहला बदलाव हुआ। दूसरा, शहरों के शहरी जीवन में भी बदलाव हुआ, शहर के लोगों के भी जीवन में बदलाव आया। और तीसरा जो था, धर्म, धर्म में भी बदलाव आया, नए धर्मों की स्थापना हुई। जो भी गांव के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, गांव के लोग पहले जैसे खेती किसानी करते थे वैसे ही अब भी खेती किसानी करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। लेकिन सल्तनत के अधिकारियों ने लगान व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी थी कि वो लगान अब देने में जो किसान थे वो बहुत मजबूर थे और असमर्थ भी थे। तो इसलिए और लगान के लेने के व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। पहले वो धान या अपना उपज को ही एक अंश को ही लगान के रूप में दे देते थे, लेकिन सल्तनत के बनने से सल्तनत के अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने नकदी लगान, नकदी पैसे लेने शुरू कर दिए। अब किसान के पास नकदी पैसा तो रहता नहीं था, नकदी रुपए होते नहीं थे, वो कहां से देंगे? तो अब किसान क्या किए, अपने फसलों को बेचकर उनको नगद लगान के रूप में चुकाते थे। पहले क्या होता था कि सल्तनत के पहले या प्रारंभिक दौर में जो वहां के सामंत हुआ करते थे छोटे छोटे, वो सामंत जो है राज्य के या किसी न किसी गांव के किसी क्षेत्र के जमींदार या सामंत जो भी थे, वो क्या करते थे कि वो खुद ही लगान वसूल करते थे और रख लेते थे और अपना कुछ अंश सुल्तान को या राजा को देते थे और मनमाने तरीके से वो वसूल करते थे। उनके जो मर्जी में आए वो किसानों को का शोषण करते थे और वो स्वयं रखते थे। तो इससे क्या होता था, तो किसानों का शोषण भी ज्यादा होता था और दूसरा क्या है, राजकोष में वो पैसा जमा नहीं होता था। अब ये जो तरीकों में बदलाव आया लगान लेने के, तो छोटे छोटे कई प्रकार के लगानों की जगह एक और परिवर्तन आया कि एक तरह का ही एक बड़ा लगान तय किया गया जो लगभग उनके उपज का आधा हुआ करता था। अब ये जो लगान है उसको वो गांव के जो मुखिया हैं वो सुल्तान के निर्देश पे कितना लगान इकट्ठा करना है, आपके गांव में इतने किसान हैं उनका इतना लगान बनता है तो ये जमा करो, इकट्ठा करने का दायित्व तो आपका है, ये कहकर उनको निर्देशित करते थे। तो वो इकट्ठा करके और अधिकारियों सुल्तान के अधिकारियों के पास जमा कर देते थे। और मैं बताया जैसे कि ये जो अधिकारी हैं वो अब किसानों को नगद लगान देने के लिए मजबूर करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि अब नगद पैसा प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना अनाज लेके कहाँ जाना पड़ा, शहरों की ओर जाना, क्योंकि वो अपने अनाज को शहर ले जाकर बेचते थे, बेचने लगे और उससे जो फिर रुपया मिलता था तो उन रुपयों से वो लगान पटाते। अब इसका देखिए, जब हम गांव से शहर की ओर जाते हैं, आज भी आप देखे होंगे कि गांव से जो किसान शहर की ओर आते हैं तो अगर वो कोई एक विशेष कार्य को करने के लिए आते हैं तो सिर्फ वही कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई किसान बैंक में पैसा जमा करने या निकालने के लिए आता है तो उसके साथ साथ ही वो शहरों से कुछ कपड़े, कुछ फल फूल सब्जियां या अन्य कोई सामान, बर्तन भाड़े ये भी लेकर जाता है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं और शहर में इसका जनजीवन पे भी इसका असर पड़ता है। शहर के लोगों का भी रोजगार आय के साधन में भी वृद्धि होती है।
तो इस प्रकार गांव के लोगों के जीवन में भी बदलाव आया कि अब वो शहर की ओर जाने लगे और शहर में आकर अपना फसल और उत्पादन बेचने लगे। इस प्रकार शहर के भी लोगों का शहरों में भी बदलाव हुआ। अब सुल्तान और उसके बड़े अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों के इकट्ठा किए या लगानों को क्या करते थे, वो शहर के विकास में खर्च करते थे। जब भी हम कोई क्षेत्र के नागरिक या किसान, जब कोई भी शासन व्यवस्था जो भी है, चाहे वो प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, उसमें जो भी लगान के रूप में या टैक्स के रूप में जो राशि देते हैं, तो उस राशि का उपयोग भी उस क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भी उसका कुछ अंश उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब गांव के किसान शहर की ओर आकर आने लगे तो शहरों के भी जीवन में बदलाव आया, शहरी सभ्यता संस्कृति में भी बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया। तो शहरों में क्या बदलाव आया कि वहां विकास, जो लगान का पैसा था वो विकास कार्यों में खर्च होने लगे। इससे क्या हुआ कि शहर का तेजी से विकास हुआ। अब वहां पर तेजी से विकास हुआ तो कई तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार, ये जो भी कार्य करने वाले वर्ग थे, ये भी शहर में आकर अब क्या करने लगे, बसने लगे, क्योंकि उनको वहां उनके रोजगार के, उनके जीवन यापन की संभावनाएं दिखाई देने लगी कि गांव के लोग अब शहर में आ रहे हैं, शहर में लगान हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है। तो उस विकास में फिर उन लोगों का भी सामाजिक जीवन, रहन सहन, उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आना शुरू हो गया। शहर के विकास के साथ साथ व्यापार भी बढ़ने लगा। अब तुर्क अपने साथ कई तकनीक और उद्योग भी लेकर आए थे, जो बाहर से तुर्क आए थे वो अपने साथ कई प्रकार के नए तकनीक और उद्योग लाए थे। इसका भी लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। मध्य एशिया में जैसे कई तुर्क जो आए थे, वो मध्य एशिया में के जो भवन निर्माण कला है उसके नए नए तरीके जानते थे। जैसे पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये चूना और गारे का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन जब तुर्क यहाँ आए तो उन्होंने अपने साथ जुड़ाई के लिए चूना और गारे के प्रयोग का यहाँ उपयोग किया। उसी प्रकार यहाँ पर मीनार और गुंबद, मेहराब आदि ये भवन निर्माण कला है, उसका भी उपयोग किया उन्होंने। जैसे ये देखो, आपको दिखाया जा रहा है ये चित्र में, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मीनार दिख रहा है आपको, इसको मीनार कहते हैं। ये तुर्क सुल्तानों के आने के बाद ही इस प्रकार के भवन आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले इस प्रकार के भवन निर्माण कला जो है, मीनार का निर्माण नहीं होता था। फिर ये गुंबद आपने प्रायः देखे होंगे कि इस्लाम धर्म के अनुयायी लोग या मुस्लिम लोग मस्जिदों में प्रार्थना अर्चना अपना जो भी करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो मस्जिदों का प्रायः बनावट जो होता है, ये आप अभी भी आज भी देखते होंगे, इस तरह का होता है। ये देखिए, इसको गुंबद कहते हैं और ये मीनार है। और ये जो आप बाजू में चित्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेहराब है, इसको मेहराब बोलते हैं। इस प्रकार का ये जो दरवाजे में ये जो नक्काशी किया जाता है या इस प्रकार का ये जो डिजाइन जो बनाया जाता है, इसको हम मेहराब कहते हैं। तो तुर्कों के यहाँ आकर बसने से भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि हमको उनसे ये जुड़ाई में चूना गारे का प्रयोग सीखने के लिए मिला, और मीनार के निर्माण, गुंबदों के निर्माण और ये इस प्रकार के मेहराबों के निर्माण की कला हमको सीखने का, हमारे देश के किसानों को या देश के कारीगरों को ये अवसर प्राप्त हुआ। इससे उनका व्यवसाय बढ़ा, उनका रोजी रोजगार भी बढ़ा। इसी तरह अब आप जैसे जो पुस्तक पढ़ रहे हैं,
इन पुस्तकों पर जो कागज का प्रयोग हो रहा है, इन कागजों का निर्माण भी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन भारत में है ना, ताम्र पत्र पे यहाँ के शासक या स्तंभ लेख के द्वारा या फिर पत्तों पर लेखन कला करते थे, लिखते थे, उकेर के लिखते थे पत्थरों पे, ताम्र पत्र पे, इस प्रकार। लेकिन अब तुर्कों के आगमन के कारण, तुर्क दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जो विदेशों से जो भी तुर्क आए, उनसे ये कला आई कि कागज निर्माण की कला। और ये जो अपन पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं हम लोग, ये जिल्द साजी की भी कला हमको कहाँ से प्राप्त हुई? उन बाहर से आने वाले विदेशियों से प्राप्त हुई। और उन्होंने ये जो कला है वो ऐसा कहा जाता है कि चीन से सीख कर वो आए थे, और वो कला यहाँ आकर उसका प्रयोग किया तो यहाँ के लोग भी उसको सीखे। इसी तरह सूत काटने के लिए जैसे पहले तकली का प्रयोग किया जाता था, अब वो चरखे का प्रयोग शुरू हो गया। वो लोग चरखों का प्रयोग करने लगे सूत काटने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। सूत काटते हैं ना कपास धागे का, वो काटने के लिए चरखे का प्रयोग करते थे। बाद में आगे चल के आप देखे होंगे कि महात्मा गांधी ने भी चरखे का प्रयोग किया। और इस प्रकार वहां के लोगों के आकर यहाँ बसने से उनके रहन सहन पहनावे का भी असर हमारे यहाँ के लोगों को मिला। जैसे कि कुर्ता पैजामा, आप ये जो देख रहे हैं कुर्ता और पैजामा और सलवार कुर्ता जो महिलाएं आजकल पहनती हैं, ये जो भी पहनावा है, क्योंकि हमारे पुराने प्राचीन भारत के लोग धोती कुर्ता और गमछा इस प्रकार की चीजें पहनने के लिए प्रयोग करते थे। अब तुर्कों के आगमन से और विदेशियों के आगमन से ये जो कला है उसका भी हमको, पहनावे का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें कुर्ता पैजामा और सलवार कुर्ता भी प्रमुख रूप से है। इसी प्रकार भोजन और रहन सहन खान पान में भी हमारे लोगों के जीवन में एक बदलाव आया, प्रभाव हुआ उनका। जैसे समोसा आज आप लोग खाते हैं, समोसा बड़े चाव से लोग खाते हैं, और हलवा, ये इस प्रकार के जो पकवान भी हैं वो हमको वहां से विदेशी जो लोग आकर यहाँ बसने लगे उनके सभ्यता संस्कृति से हमको ये सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। देखो आप इस चित्र में देख रहे हैं, जैसा कि ये हलवा है, आप लोग आज भी हलवा पूरी खाते हैं घर में, तो ये हलवा पूरी का प्रचलन भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। पैजामा कुर्ता का भी प्रचलन इसी काल में, ये देखो ये पैजामा आप देख रहे हैं, पैजामा कुर्ता इस तरह का। महिलाओं का भी आप देख रहे हैं, ये सलवार कमीज जो होता है, सलवार कुर्ता जिसको बोलते हैं, महिलाएं पहनती थी। ये इस प्रकार के जो भी पहनावे हैं इसका भी असर यहाँ के लोगों के संस्कृति पर पड़ा। दूसरी ओर क्या है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब हम किसी कहीं के लोग, हमारे किसी संस्कृति धर्म विशेष जाति विशेष के लोग जब आकर अलग यहाँ पर बसते हैं, तो उनके रहन सहन आचार विचार व्यवहार खान पान पहनावे का असर हमको होता है। उसी प्रकार हमारे भी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, और हमारे यहाँ भी जो पहनावा है, भोजन है, वस्त्र है, ये सब सांस्कृतिक जो भी गतिविधियां हैं हमारी संस्कृति, उसका असर उन पर भी पड़ता है। तो अरब के विद्वानों विद्वान लोग भारत में आए, जिसमें हमने बताया कि अमीर खुसरो थे, उसमें प्रमुख थे। तो इसी प्रकार वहां के विद्वान जब भारत आए, तो यहाँ के भी विद्वान जो भारतीय विद्वान थे, जो उस समय भारत ने गणित और ये खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष विज्ञान, ये सब भारत के विद्वान पहले से ही जानते थे, इसमें भारत का
का बहुत नाम था, हमारे देश का बहुत नाम था, यहाँ के विद्वानों की कीर्ति दूर दूर तक थी। योग का, आयुर्वेद का, आज पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं, जो भारतीय देन है, भारतीय विद्वानों की देन है, आयुर्वेदाचार्यों की देन है। योग का आप देख ही रहे होंगे कि विश्व योग दिवस आजकल मनाया जाता है। ये योग की शिक्षा भी जो है भारतीय विद्वानों से ही अन्य देशों के विद्वानों ने ग्रहण की थी। गिनती में आपने देखे होंगे शून्य का प्रयोग, भारत उसका आविष्कारक है, भारत के विद्वान उसके आविष्कार किए हैं शून्य का प्रयोग। तो ये शून्य का प्रयोग करना भी यहाँ के विद्वानों से, अरब के विद्वानों ने सीखा, और इसको जाकर फिर वो अन्य जगह, फिर ऐसे करके उसका फैलाव जो है उस पूरे विश्व में हुआ। पूरे यूरोप में उन्होंने जाके शून्य के प्रयोग का और गणित, खगोल शास्त्र आदि को फैलाया, उसके ज्ञान को फैलाया। पंचतंत्री की कहानियां यहाँ पहले बहुत आपने सुना होगा, पंचतंत्री की कहानियों की पुस्तकें भी आपने पढ़ी होंगी। इन पंचतंत्र की कहानियों और आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथों को भी अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। वहाँ के विद्वानों ने आके इनको सीखा और सीख के अपनी भाषा में, अरबी में और फारसी में अनुवाद किया, और इनसे बहुत लाभ उठाया। तो इस प्रकार जो दूसरा परिवर्तन शहरी जीवन पे आया, फिर तीसरा है धर्म। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का काफी प्रभाव था, तुर्क लोग आए, वो इस्लाम के अनुयायी थे, इस्लाम को मानने वाले थे, तो उनके उनका आगमन तो बहुत पहले ही हो गया था। पर जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से ही इस्लाम धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ, और ये पहले पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों के साथ जो इस्लाम धर्म आया था, तो सुल्तानों ने इसको काफी बढ़ावा दिया, और उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई, और इस्लामिक संतों और विद्वानों का भी आगमन हुआ, जिसमें सूफी संत प्रमुख रूप से थे। इन्होंने धार्मिक विद्वानों को बहुत, जो थे उनको पैसे रुपए भी और बहुत धन दान में दिए। मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया के कई इस्लामी जो विद्वान थे और संत थे, वो भी उन आक्रमणों के भय से आकर यहाँ आकर बस गए थे। तो उन विद्वानों और संतों का भी मार्गदर्शन या उनके ज्ञान का लाभ भारत के लोगों को हुआ, जिसमें एक शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है। ये शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे, वो दिल्ली के रहने वाले एक सूफी संत थे। उनके खानकाह में, मतलब उनके आश्रम में, जिसको खानकाह कहा जाता था, जैसे हमारे यहाँ आश्रम को गुरुकुल आश्रम इस प्रकार कहा जाता है, इसी प्रकार इस्लाम में उनका जो आश्रम होता है उनको खानकाह कहा जाता था, जिसमें फकीर, मौलवी और योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग भी वहां पर जाते थे, और उनसे धर्म की बातों पर संगोष्ठी होती थी, चर्चा होती थी, और एक दूसरे से धर्म के, अपने अपने धर्मों के ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था, वार्तालाप किया जाता था। आम तौर पर जो सूफी संत हुआ करते थे, वो दो बातों पर जोर देते थे कि पहला ईश्वर से प्रेम करिए और दूसरा लोगों के, दुखी लोगों की सेवा करो। ये इस्लाम का बहुत अच्छा, सूफी संतों का एक बहुत अच्छा ये है कि जो दो बातों पर जोर देते थे कि एक दूसरे को क्या, ईश्वर के प्रति प्रेम करना और दुखी लोगों की सेवा करना। अमीर खुसरो, जो मैंने पहले ही बताया था विद्वान, वो भी ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनके प्रिय शिष्य थे। अमीर खुसरो ऐसे शिष्य थे कि वो विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, कई जगह उन्होंने सेनापति का भी कार्य किया है, युद्ध में भी एक दो लड़ाइयों में नेतृत्व किया है, जिसको आजकल हम लोग कहते नहीं है बोलचाल में मल्टीपर्पस, तो इस प्रकार ये मल्टीपर्पस यूजफुल व्यक्ति थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम बहुत है, उनकी बहुत पहेलियां भी आपने सुनी होगी, प्राथमिक कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा उनकी पहेलियां, और वो
फारसी और हिंदवी, उन्होंने जो हिंदी का पुराना स्वरूप है उसको हिंदवी, उसमें कई कविताएं लिखी हैं। उनको पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान और संगीत से बेहद लगाव था। जो आप तबला का प्रयोग करते हैं आजकल वाद्य यंत्र का, वो ऐसा का माना जाता है कि तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। तो इस प्रकार अमीर खुसरो एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही योग्य विद्वान व्यक्ति थे। वे कहते थे कि संगीत के प्रति न केवल मनुष्यों को बल्कि पशुओं को भी आकर्षण, पशुओं का भी आकर्षण होता है। सब संगीत को बहुत महत्व देते थे और वो कहते थे कि मनुष्य ही संगीत नहीं सुनते हैं, पशु पक्षी भी संगीत सुनकर बहुत आकर्षित होते हैं। उनको हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे हैं। उन्होंने अपने आप को हिंदवी के कवि के रूप में भी प्रचारित किया और वो अपने आप को तोता हिंद भी बोलते थे। इसीलिए तोता ए हिंद, मतलब तोता आप समझ रहते हो, तोता क्या मिट्ठू जो होता है, वो हम जब किसी चीज को बोलते हैं तो वो उसको बार 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 वही रिपीट करता है जैसा हम बोलते हैं वैसा बोल के। तो वो हिंदुस्तान की इतनी बड़ाई करते थे, हिंदुस्तान के बारे में इतना लेख लिखते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे कि, और इसलिए वो अपने आप को स्वयं तोता हिंद कहते थे। उनकी पहेलियां आज भी लोगों के जुबान पर होती हैं। कई पहेलियां खुसरो की पहेलियों के नाम से कई किताबें भी हैं, कई पाठ में भी आपने पढ़ा होगा। उन जैसे एक आध दो पहेली हो उसका उत्तर आप लोग बता सकते हो। सावन भादो खूब चलत है माघ पूस में थोरी, सावन भादो खूब चलत है माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। एक प्रकार की पहेली है, कोई बच्चे बता सकते हैं इसका क्या अर्थ हुआ? इन पहेली का क्या अर्थ है, कोई समझ रहे हैं? ये बच्चे लोग का अनुभव नहीं है क्या? सोचो और सोच के बताओ जरा इस पहेली का क्या मतलब हुआ। सावन भादो खूब चलत है माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। इसका क्या अर्थ हुआ बताओ, इस पहेली का है किसी को पता? ये आप देखे होंगे गांव में एक मोरी रहता है, छप्परों का पानी जब बरसात में खूब बारिश होती है तो एक टीने के मोरी से करके और बाहर वो गिरता है। उसी के बारे में बताया गया है कि सावन भादों में जब खूब बारिश होती है तो यह खूब चलता है माघ पूस में और थोड़ा चलता है। फिर उसके बाद है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, ये भी एक पहेली है। इस पहेली में आकाश के बारे में बताया गया है। थाल का मतलब आकाश, औंधा उल्टा, एक थाली है जिसमें मोती भरे हुए हैं, मतलब आकाश में जो तारे होते हैं वो हमारे सिर के ऊपर ऐसे लगते हैं कि थालियों में भर कर और ऊपर से उल्टा रखा हुआ है। तो इस प्रकार इन विद्वानों के भी और सबके प्रभाव से भारत के कई लोगों में ने भी और परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को भी स्वीकार किया। और इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो एक ईश्वर को मानता है। इस्लाम में आप जैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है और उसमें जात पात ऊंच नीच भेदभाव आदि भावनाओं के लिए भी जगह नहीं है।
इस्लाम में माना गया है कि सभी लोग ईश्वर के सामने समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और सभी लोग मिलकर सरल और सीधे तारे साधे तरीके से ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएं और संप्रदाय बन गए थे, जैसे शिया, सुन्नी, सूफी, इस्माइली आदि। इस्लाम में भी कई धाराएं हो गई थी, कई विचारधारा के लोग थे, तो वो भी अलग अलग भागों में बट गए थे, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, सूफी संत और सूफी इस्माइली आदि। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान और भारत जो है वो भारत में आकर बस गए। सल्तनत काल में एक और बहुत उपलब्धि ये रही कि सल्तनत काल में जो हिंदू धर्म के विभिन्न और मुस्लिम धर्म के जो विभिन्न विद्वान थे उनके बीच विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, तो मेल उनके विचारों का भी मेल मिलाप हुआ। इस्लाम के केशवरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव पड़ा उनका, उसी तरह योग और गीता का प्रभाव भी मुस्लिम संतों पर, इस्लाम के संतों पर, मानने वाले संतों पर पड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुंचे आपस में चर्चा करके कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच अंतर को मिटाना भी चाहते थे कि जो अलग अलग धर्म के हैं, कि सभी धर्मों के एक ही हैं प्रमुख, तो हम आपस में क्यों झगड़ा करें, लड़ाई करें, क्यों अंतर समझें। तो सभी एक ही धर्म की बात करते हैं, एक ही ईश्वर की बात करते हैं, तो विभिन्न धर्मों के बीच में जो अंतर है उसको मिटाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। ऐसे ही संत थे कबीर और नानक। इन्हीं विद्वानों में बाद में कबीर और नानक हुए। कबीर और नानक जैसे संत ऊंच नीच जात पात का विरोध करते थे। इनके आने के साथ ही जो पहले जाति प्रथा थी, जिसमें लोग छोटी जाति बड़ी जाति ऐसा लोग मन मन में मानते थे, अशिक्षा के कारण समझिए या रूढ़िवादी के कारण समझिए, तो इन संतों के आने से इन्होंने कहा कि कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। इसका विरोध किया उन्होंने और सभी धर्मों में जो भी आडंबर और पाखंड थे उसको समाप्त करने के लिए कबीर और नानक ने खूब प्रयास किए। आप आगे चल के कबीर की साखियां भी पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें का उल्लेख किया है, ऊंच नीच और जाति पाति और ईश्वर के मामले में भी उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं अपनी कविता के माध्यम से। वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे, और उस समय भी सल्तनत काल में भी हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, और सर्वधर्म संभाव की भावना, सामाजिक सद्भावना की भावना हमारे छत्तीसगढ़ में उस समय भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस पाठ में जाना कि सल्तनत काल की स्थापना, सल्तनत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद सल्तनत कालीन जनजीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या प्रभाव हुआ उसका। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं उसको आप लोग यहाँ बताएंगे। ये जैसे मैं पूछ रहा हूं, कहा ये वो उसने सेव किया ना, अब ये खाली स्थान है उसको बताइए भास्कर। अरे यार बताओ ना ये वो कहाँ गया, फोटो खींचे कुछ, ये खाली स्थान है उसको देखिए और देख के बताइए इसमें क्या आएगा। आपके पाठ के पीछे में जो अभ्यास का प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है सल्तनत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या आएगा इसमें, सल्तनत काल में भी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करना, खाली स्थान था, कृषि कार्य था। अमीर खुसरो खाली स्थान के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे,
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फिर अमीर खुसरो जो है वो अपने आप को क्या कहते थे, तोता ए हिंद, तो खालिस्तान अपने आप को तोता ए हिंद कहते थे, तो उसमें आएगा अमीर खुसरो। सल्तनत के स्थापित होने से पुराने राजा सुल्तान के अधीन क्या बनकर रह गए थे, ये यहां पर देखिए, ये पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है। ये आप देखिए, ये चौथा, अभी मैं जैसे आपको पूछा, सल्तनत की स्थापित होने से पुराने राजा जो सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे। फिर पांचवा है, गिनती में शून्य का उपयोग खालिस्तान के विद्वानों की देन है। गिनती में शून्य का उपयोग कहाँ का देन है, भारत की देन है, भारत के विद्वानों की देन है। फिर प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अपने कॉपी में लिखना है। पहला, दिल्ली सल्तनत काल में कहाँ कहाँ से लोग भारत आकर बसने लगे, तो जैसा कि मैंने बताया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान आदि देशों से बसने लगे। सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली कौन होता था, सुल्तान होता था। सल्तनत कालीन किन्हीं दो संतों के नाम लिखिए, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, नानक कबीर, ये सब आपके बारे में, संतों के बारे में आपने पढ़ा। सल्तनत काल के बड़े अधिकारी सेनापति को क्या कहा जाता था, अमीर कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से गांव के लोगों में क्या परिवर्तन आया, ये आपने बताया, उसको लिखना है। तुर्कों के आगमन से, भवन निर्माण में वही मेहराब, गुंबद, मीनारों का प्रयोग हुआ। तुर्कों ने हमारे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया, ये बता चुके हैं, लिखना है। और संतों के मेल मिलाप से नई विचारधारा जो अभी जन्म हुआ है, उसको मैंने जो बताया उसको लिखना है। सल्तनत कालीन विद्वान, और ये जो आखिरी में अभ्यास का ये जो दिया है, उसको आप गृह कार्य ये करके लाना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षाओं में मिलेंगे। और ये गृह कार्य जो है उसको आप करके लाना, विद्वानों सूफी संतों का एक सूची बनाना है, उनके चित्र इकट्ठे करना है सल्तनत कालीन, और कबीर के बारे में पता करना है, उनकी कुछ कविताओं को ढूंढ कर लिखना है अपनी कॉपी में। सल्तनत कालीन दो संतों के नाम लिखना है, और सल्तनत काल में बड़े अधिकारी और सेनापति को क्या कहा जाता था, ये लिख कर लाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, सभी को नमस्कार। अगली कक्षाओं में फिर हम मिलेंगे। SCRT से मैं सच्चिदानंद शास्त्री, व्याख्याता। ठीक है, नमस्कार।